हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए मैंगो कस्टर्ड बनाने जा रही हूँ, जो कि बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है और स्पेशली समर में ये बहुत ही अच्छा लगता है। कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने सबसे पहले दूध को उबलने के लिए रखा है। करीब ये हाफ लीटर दूध है। अब मैं एक कटोरी में करीब 4 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर डालूँगी। इस तरह से इसे मैं कोल्ड मिल्क में मिक्स करूंगी। ये कोल्ड मिल्क में अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, इसमें लम्स नहीं पड़ता है। इस तरह से मैं मिक्स करूंगी। कस्टर्ड पाउडर अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, ये देखिए। अब मैं इसे धीरे धीरे दूध में डालूंगी इस तरह से करके, और इसे मैं मिक्स भी करते रहूँगी इस तरह से। इस तरह से मैं डालते रहूँगी और मिक्स भी करते रहूँगी। 3 से 4 मिनट में ये करीब बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए, आप इसकी थिकनेस को देख सकते हैं, ये बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। इसे कंटिन्यू हिलाते रहना है इस तरह से। अब मैं इसमें करीब 1 चम्मच करीबन ये 2 टीस्पून शुगर है। आप अगर स्वीट ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। टू टीस्पून हनी, अब मैं इसमें 2 टीस्पून वनीला एसेंस डालूंगी इस तरह से, और इसे मिक्स करूंगी। हमारा कस्टर्ड बनकर ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। आप इसकी थिकनेस को देख सकते हैं, ये कितना गाढ़ा है। अब मैं इसे ठंडे होने के लिए रखूंगी। सबसे पहले मैं चॉप किया हुआ मैंगो डालूंगी, एक लंबा सा स्लाइस मैंगो का इस तरह से ग्लास में डालूंगी। अब मैं कस्टर्ड डालूंगी, थोड़ा सा वनीला आइसक्रीम, हमारा मैंगो कस्टर्ड बनकर तैयार है। यदि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।